फेसबुक पर दोस्त बने फिर कर ली शादी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब इस तरह के आशे घर से गायब होने के बाद जब पुलिस के हाथ लगते हैं तो हमें कुछ ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। पुलिस ने प्रेमी जोड़े को पकड़ा, युवती बोली वीडियो कॉल पर कर चुके हैं शादी। देख ले प्रसन्न हो ले, थोड़ा ताजगी आ रही कि नहीं, सब तुम्हारे बिगाड़े लड़के हैं। अब इस तरह की खबरें देखने के बाद आजकल के बुजुर्गों में भी नया जोश उत्पन्न होता नजर आ रहा है। फेस देखते ही हवा हो गया फेसबुक ही प्यार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दिल्ली से किसनी पहुंची युवती, प्रेमी निकला बुड्ढा। हाय हाय, इतना सुकून। सोशल साइट फेसबुक पर शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदली, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे। प्रेमी से मिलने किसनी पहुंची युवती का फेसबुक ही प्यार से सामना हुआ तो वह चकरा गई, क्योंकि वह उसके दादा की उम्र का था। करवा चौथ की खरीदारी को गई नवविवाहिता भागी। 11 दिन पहले हुआ था विवाह, जेठानी को भी साथ लेकर हुई फुर। और जेठ की भी 6 माह पहले हुई थी शादी। वाह मोदी जी, वाह वाह। अरे लाली, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बार तो उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर लेती। सही बात है। और जाना ही था तो अकेली चली जाती, जेठानी को भी साथ ले गई, अब जेठ बेचारा क्या करे। पढ़ा लिखा कर पत्नी को दिया मोबाइल, फेसबुक पर बना दोस्त हो गई फरार। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अरे लाला, मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोला था, बीवी पढ़ाओ बीवी भगाओ नहीं। देश संकट में है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मामला सामने आया है, यहाँ पर एक लड़की अपने ही प्रेमी के पिता के साथ फरार हो गई। बेटे की प्रेमिका को अपने बेटे से दूर करते करते बाप उस प्रेमिका के करीब पहुंच गया और दोनों ने भाग कर शादी कर ली। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अपने मालक के ऊपर भरोसा मत करना। सांप ने रसा तो किसान ने उसका फन चबाकर अलग कर दिया। यूपी के हरदोई जिले में खेत में काम कर रहा एक किसान को जहरीले सांप ने काट लिया। इस बात पर किसान को इतना गुस्सा आया कि उसने मुंह से सांप का फन ही काट कर अलग कर दिया। मौके पर सांप की मौत हो गई।